एंड यो वीक आज स्टार्ट करेंगे आपका थियोरी सेशन और आपको एक बात समझाऊं। ये थियोरी सेशन से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये थियरी सेशन में से आपके बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये दो घंटा अपनी सीट की बेल्ट बांध लो और अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ ठीक है राजा सो यस गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरी जो भी जब भी कभी कभी, कभी सुनता है क्लियर बनना ये मैं अपने टाइम पे सुनता था वन ऑफ फैकल्टी से तो मैंने वो ही सेम लाइन दोहराई है चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो so, यस yes, आज थियोरी सेशन है कुछ नहीं दो घंटे अच्छे से पढ़ना है और खत्म करना है आज क्या कवर होने वाला है आपका सबसे पहला चैप्टर थियोरिटिकल प्रोसेस के अंदर यूनिट वन आता है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्ला 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 ब्ला, और एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में दिखता है और आई एम एक्सपेक्टिंग दो क्वेश्चंस ऑफ टू मार्क्स यहां से और यहां ये यह हो गया आपका टोटल चार मार्क और यहां से आई एम एक्सपेक्टिंग आठ मार्क यहां से मार्क से सर बाकी कहां से बाकी का कोई हिसाब किताब नहीं है कहां से आएगा वी विल ट्राई टू कवर अप बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके राजा चलो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट एवरीवन अब टू स्टार्ट विथ एक सेकेंड दो मेरे को सबसे पहले मेरे को एक स्लाइड ऊपर लानी है चैप्टर क्या है वो तो पढ़ ले पहले <laughs> आपका सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ ले हम हम्म सर डिफाइन अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है डिफाइन अकाउंटिंग एंड वॉट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग में आखिर फील्ड्स कौन सी कौन सी रहती है ओके सो लेट्स स्टार्ट पहला है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज अ मेरे साथ में आपको लर्न करते चलना है मेरे साथ में आपको लर्न करते चलना है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू दूसर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आई रिपीट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है अकाउंटिंग मीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करना फिर ले करना ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट बनाना उसको नाम दिया गया है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटरप्रेटिंग एंड कम रिजल्ट देर ऑफ टू दूसर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट अब एक बात समझो अब एक चीज समझो अब आपको इस चैप्टर से डर क्यों लगता है इस चैप्टर में अलग अलग चीजें गिवेन रहती है अलग अलग जगह पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया अब अकाउंटिंग के अंदर आपको एक क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है अकाउंटिंग में प्रोसीजरल एस्पेक्ट बताओ कि अकाउंट्स में प्रोसीजर क्या रहता है अरे मेरे भाई अकाउंट्स में प्रोसीजर वही रहता है क्या है अकाउंट्स का प्रोसीजर ध्यान दो यहां पे अकाउंट्स का प्रोसीजर है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहले जनरेट करना फिर यूज करना अब अगर मैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं उसके अंदर वर्ड करो पढ़ो क्या क्या है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग कहना ऐसे ये आपके डेफिनेशन में से लिखा हुआ है ये सब ये सब क्या करते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं ये सब क्या कर रहे हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं और ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके हाथ में दे दे रहे हैं यूजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसके हाथ में दे रहे हैं यूजर्स के हाथ में अब टाइप्स ऑफ यूजर्स हम आगे देखेंगे किसके हाथ में दे रहे हैं यूजर्स के हाथ पे और यूजर क्या करेगा इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेगा किस चीज के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए किस चीज के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए अब कौन से टाइप का डिसीजन हम आगे पढ़ेंगे एवरीवन एवरीवन येस आई रिपीट वंस अगेन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ टू द रूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओके डन अब ये यूजर्स क्या करेंगे इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए ओके okay? अब लेट्स मूव फर्दर सर प्रोसीजर एस्पेक्ट क्या है जनरेशन जनरेशन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना और उसे यूजर्स को देना ताकि वो डिसीजन ले सके डन अब इसी में एक और ये डेफिनेशन पे एक और पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपके सामने कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा यहां दिख रहा है रिकॉर्डिंग पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अब रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ये जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उससे फायदा हो रहा नुकसान हो रहा उसका रिजल्ट क्या है वो निकालना दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना अच्छा टू असरटेन फाइनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट बनाना और उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स क्यों इंफॉर्मेशन देना है उनको ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू नो दी सॉल्वेंसी पोजिशन आई रिपीट वंस अगेन ये पूरी स्लाइड आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे मुन्ना ओके okay? पहला अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट देर ऑफ टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेशन मतलब अगेन रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनलाइजिंग इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग किसको कम्युनिकेट करना यूजर्स को कम्युनिकेट करना ताकि वो क्या कर सके एक रैशनल डिसीजन ले सके तो अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड record करके पता करना कि भाई साहब फायदा या नुकसान है तो रिजल्ट असरटेन करना ट्रांजैक्शन की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी बिजनेस की वो कैसे पता चलेगा बैलेंस शीट बना के एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को कम नहीं करना ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके एंड टू नो दि पोजिशन सॉल्वेंसी पोजिशन मतलब बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा ना बिजनेस लंबा तो चलेगा ना गोइंग कंसर्न अजम्पन वैलिड तो है ना बिजनेस लंबा तो चलेगा ना ये हो गया आपका स्लाइड नंबर वन अब सर हमारे सामने एक हमेशा दिक्कत आती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में फर्क क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में फर्क क्या है एक चीज समझा लो बुक कीपिंग मतलब प्लेन वनीला सिंपल सोवर आंसर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग मतलब क्या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब सुनो हमने पढ़ा था अकाउंट में अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस या ऑल्सो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटिंग कम्युनिकेटिंग रिजल्ट देर ऑफ अब सुनो इसमें जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग वो है बुक कीपिंग वो क्या है आपकी बुक कीपिंग जो कि की किसके अंदर आती है अकाउंटिंग के अंदर आती है तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फर्क क्या है बुक कीपिंग इन कंसर्न ओनली विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग क्या बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई अब मैं एक प्रोसेस लगाऊंगा टू समराइज द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन समराइज करके क्या करेगा समराइज करके क्या करेगा यूजर्स को कम्युनिकेट करेगा ताकि यूजर्स डिसीजन मेकिंग ले सके तो कहना है अकाउंट्स के प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग आता है और रिकॉर्डिंग इज कंसर्न विद बुक कीपिंग क्लियर रिकॉर्डिंग क्या है अकाउंटिंग का बेस है रिकॉर्डिंग क्या है अकाउंटिंग का बेस है अगर रिकॉर्डिंग नहीं तो रिकॉर्ड नहीं किया जर्नल एंट्री पास नहीं किया तो लेजर पोस्टिंग किसकी करेगा भाई लेजर पोस्टिंग नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस किसका बनाएगा ट्रायल बैलेंस नहीं है तो बैलेंस शीट किसकी बनाएगा नॉट पॉसिबल तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया तो आगे कुछ बढ़ सकता क्या नहीं तो बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग क्या उससे क्या उसे लेना देना है क्या समराइज से एनालाइज से क्लासिफाई से उसे कुछ लेना देना है क्या नहीं बुक कीपिंग को सिर्फ इतना समझता जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री ओके मैनेजर कभी भी जर्नल एंट्री देख के डिसीजन ले सकता क्या अरे अंबानी जी को डिसीजन लेना है कि मेरे को ये धंधा कंटिन्यू करना है कि बंद करना है अंबानी जी जर्नल एंट्री देखेंगे क्या पॉसिबल है कि जर्नल एंट्री देखना नहीं ओके तो मैनेजर्स डिसीजन नहीं ले सकते जर्नल एंट्री के बेसिस पे बुक कीपिंग के बेसिस पे ओके अच्छा बुक अकाउंट्स की सब फील्ड होती है बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती है अब अपन इतना सारा पढ़ा एक बार क्विक रिकैप एक बार क्विक रिकैप थोड़ा क्विक क्या बोर और करते हैं सर अकाउंटिंग का प्रोसेस है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग रिजल्ट उसके अंदर रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ जो रिकॉर्ड हुआ है उसको समराइज करना और यूजर्स को बांटना ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके ओके बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग अगर बुक कीपिंग मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं किया तो क्या समराइज हो सकता है क्या नहीं अकाउंट्स इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज अकाउंटिंग इज कंसिडर एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्योंकि जब एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया उसको समराइज कौन करेगा अकाउंटिंग ओके सर एंड मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स डेट इज समराइज रिकॉर्ड्स सर बुक कीपिंग में सब फील्ड होती है क्या नहीं बट अकाउंट्स में सब फील्ड होती है सो सबको क्लियर है यहां तक क्लियर डन है यहां तक सबको लास्ट टाइम एक बार आपके लिए रिपीट किया जाएगा बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसको समराइज करना बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है बट अकाउंट्स की सब फील्ड है बुक कीपिंग के बेसिस पे मैनेजर डिसीजन नहीं ले सकते लेकिन अकाउंट्स में समराइज हो जाती है चीजें वाया बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैनेजर डिसीजन ले सकता है बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग अगर जर्नल एंट्री नहीं तो समराइज क्या करोगे और अकाउंटिंग क्या है वो समराइज फॉर्म है बुक कीपिंग का लेट्स मूव फर्दर अब आपका क्वेश्चन सर आपने बोला बुक कीपिंग में सब फील्ड नहीं है लेकिन अकाउंटिंग में तो सब फील्ड है आप कितनी सब फील्ड है वो तो बताओ मैंने क्या किया है देखो आपका ये क्वेश्चन लिया है जो आपके मॉड्यूल में या कहीं ना कहीं मेरे को प्रीवियस ईयर में मिला है मैंने वो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने डेटा जमाया है कटपीट किया है शॉर्ट किया है थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल रखा है ये 28 पेज की स्लाइड है जो कि आपके दो बड़े और मेजर थियोरी के चैप्टर्स कवर करती है ओके सो लेट्स हियर क्वेश्चन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ट्रू और फॉल्स ये क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन का आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये काम नहीं करता द आंसर इज फॉल्स ठीक है बट आपको ये समझना पड़ेगा आईसीआई ने ये क्वेश्चन दिया है मतलब वो इससे लिंक्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इससे लिंक जितने टॉपिक थे मैंने पूरे कवर कर दिए हैं ओके, सो सर सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है सब फील्ड मतलब ब्रांचेस भी बोला जाता है सब फील्ड मतलब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ओके सर पहली है फिनेंशियल देखो पहला है जो अपन आज तक करते आए हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स आई रिपीट पांच ब्रांचेस है पांच सब फील्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स वंस अगेन मेरे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या मैं बोल सकता हूं रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देर ऑफ हा जो डेफिनेशन अपन पढ़ के आए थे वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर का पार्ट है ओके तो पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स ठीक है बैलेंस शीट बनाना ट्रायल बैलेंस बनाना तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है प्रिपेयर करता है और हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में ऑफ व्हाट ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन सर अच्छा अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं दे आर कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ टू मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस इनका मेन काम क्या रहेगा सर हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ट्वेल्थ में और जो साइंस के बच्चे चिल मारो प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग तो सौ बात की एक बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है और हम डिसीजन करेंगे लाइक like, अंबानी जी अंबानी जी ने देखा टेलीकॉम सेक्टर इतना बड़ा है भारतीय एयरटेल इतना सारा कमा रहा है वोडाफोन इतना सारा कमा रहा है ओके मैं भी सेक्टर में उतर जाता हूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने क्या किया फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज किया अंबानी जी ने अलग अलग इंफॉर्मेशन यूज किया और डिसीजन मेक किया कि को टेलीकॉम के सेक्टर में एंटर करना है ओके ये जो थियोरी है ना ये आपके प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन थियोरी है और ये आपका मॉड्यूल भी कवर कर रही है ओके लेट्स मूव फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग अब अब अंबानी जी जियो फोन फाइव लॉन्च कर रहे हैं एग्जाम्पल लेते हैं जियो फोन फाइव लॉन्च कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल है जस्ट, अब अंबानी जी बोल रहे हैं कि भैया तुम बताओ तो सही ये फोन बेचेंगे कितने में इसका कॉस्टिंग क्या है तभी तो सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालने में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है और यह कॉस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में एक डिग्री आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक आपके लिए ऑल टूगेदर सीए इंटर में सब्जेक्ट है कॉस्टिंग कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट है ना सीए इंटर और सीए फाइनल में तो सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिखाई जाती है बट आपको प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालना भी सिखाया जाता है सी ए इंटर में ओके लेट्स मूव फर्दर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये क्या करता है लाइक रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन बहुत सारी चैरिटी करता है हां जी तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है कि जो हमने चैरिटी की उसका कॉस्ट क्या है और वो कॉस्ट से सोसाइटी को बेनिफिट क्या हुआ है वो कॉस्ट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ है इसकी अकाउंटिंग कौन से ब्रांच के अंदर होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यहां क्या लिखा हुआ है इट्स एन अटेम्प्ट यह एक अटेम्प्ट है किस चीज का ह्यूमन रिसोर्स को अकाउंट करना जो कि नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं होती है ओके बिकॉज आप एक इंसान को एक इंसान की वैल्यू निकाल सकते हो क्या नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ब्रांच है जो अटेम्प्ट कर रही है सक्सेसफुल नहीं हुई है ठीक है जो अटेम्प्ट दे रहा है वो सक्सेसफुल हुआ क्या अभी तक नहीं क्लियर जो अटेम्प्ट दे रही है किस चीज में टू टेक आउट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आखिर एक इंसान की वैल्यू कितनी होती है बट अभी तक वो सक्सेसफुल हुई है क्या नहीं सो यस, आई एम रिपीटिंग कितने ब्रांचेस है पांच सब मेरे साथ में फिनेंशियल अकाउंटिंग इसका मेन काम क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका मेन काम क्या है समराइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और हेल्प करना यूजर्स को इंटरप्रिट करने के लिए उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है मैनेजर्स बैठे रहते हैं वो इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा आया है उसको यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए लेकिन एक बात समझो ये सिर्फ इंटरनल डेटा यूज नहीं करते लाइक like मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था अंबानी जी ने एयरटेल और वोडाफोन का भी डेटा लिया था और अंबानी जी ने खुद का डेटा भी लिया था भाई साहब इतना सारा पैसा लगेगा जियो चालू करने के लिए ये पैसा कहां से आएगा मेरा पेट्रोल पंप का धंधा मेरे को पैसा देगा आप मेरा टेक्सटाइल का धंधा मेरे को पैसा देगा और वो पैसा मैं यूज करूंगा टेलीकॉम सेक्टर में जाने के लिए लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जाना है तो भैया भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इनका डेटा देखो पहले तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेटा यूज करते हैं इंटरनल इज पैसा कहां से आएगा पैसा कहां कहा जाएगा ब्ला 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 उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद होती है कॉस्ट अकाउंटिंग जिसपे एक कोर्स है सीए में और आप सीए इंटर में चैप्टर पढ़ोगे कॉस्टिंग नाम का और सीए फाइनल में भी पढ़ोगे ये ब्रांच क्या करती है इसका इंटेंशन ये ब्रांच का पर्पस क्या है ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालने में मदद करती है अगर आपका कॉस्ट कम है तो आप एक कॉम्पिटेटिव सेलिंग प्राइस रख सकते हो भाई साहब आपका कॉस्ट कम रहेगा तभी तो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे आपको पता ही नहीं वो चीज आपको कितने में बनके आ रही है तो तुम सेलिंग प्राइस निकाल सकते क्या नहीं उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये दो घंटे आपको ध्यान देना है थियरी कभी कभी बोरिंग जाती है बट आई एम ट्राइंग मै बेस्ट कि मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो हमने सोशल कॉस के लिए पैसा खर्चा किया है उसका बेनिफिट कितना हुआ है इस चीज की अकाउंटिंग इस चीज का रिकॉर्ड कौन रखता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इट्स एन अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशंस ठीक है जो कि नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं होती है चलो आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब सुनो या क्वेश्चन क्या था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या प्रिपरेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या नहीं ये फॉल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लिंक्ड विद डिसीजन मेकिंग ओके अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग अरे नहीं सर इंटरनल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है क्या आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इसका आंसर भी क्या है फॉल्स ठीक है बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपरेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है इंटरनल रिपोर्ट जनरेट करता है और डिसीजन मेकिंग करता है सो ये आपके दो क्वेश्चन थे जो हाल फिलहाल हमने ये पांच ब्रांचेस से कवर कर दिया आपके दो क्वेश्चन अब आपका और क्वेश्चन था सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो यूजर का मतलब क्या होता है बता दो सर अब पहला रहता है इन्वेस्टर इन्वेस्टर मतलब कौन लाइक आपको पता हो या ना पता हो जियो में धाबी से भी इन्वेस्टमेंट आया था ठीक है उसके बाद फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया है और गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है किसमें जियो में हा रिलायंस में नहीं जियो एक अलग कंपनी है जिसके अंदर फेसबुक ने पैसा लगाया है गूगल ने भी पैसा लगाया है और दुबई की एक कंपनी है आराम को उसने भी पैसा लगाया है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों की तीनों कंपनी जियो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहेंगे कि जियो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है जियो परफॉर्म कैसे कर रहा है जियो इंडिया में अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन जियो बिकॉज उन्होंने जियो में पैसा डाला हुआ है और उन्हें पैसा क्यों डाला है बिकॉज उनको अपने पैसे को ग्रो करना है दैट्स इट दे प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस एम इंटरेस्टेड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या है पैसा देने के बाद कि भाई साहब जो धंधे में उसने पैसा डाला है क्या वो धंधा सरवाइव करेगा एबिलिटी टू सरवाइव क्या वो धंधा ग्रो करेगा और क्या जो उन्होंने पैसा डाला है वो पैसे पे उनको रिटर्न आएंगे क्या ये उनका मेन इंटरेस्ट रहता है और भाई साहब उसके बाद पैसा तो दे दिया अब जियो के शेयर होल्ड करके रखने हैं कि जियो के शेयर और खरीदने हैं कि जियो के शेयर बेच देने हैं ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है फेसबुक के लिए गूगल के लिए यस yes? तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये इन्वेस्टर किस बेसिस पे लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओके होप्सो सबको यहां तक क्लियर होगा कि इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग पैसा देते हैं पैसा कंपनी पे लगाते हैं तो उनको अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए अब उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो कंपनी के शेयर बनाए कंपनी के शेयर होल्ड करना बेच देना कि और खरीद लेना ये कैसे डिसाइड करेगा इन्वेस्टर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस पे अच्छा मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया क्यों ज्वाइन किया एज अ एम्प्लॉय मैं पीडब्ल्यू में एम्प्लॉय यू दैट्स फॉर श्योर ठीक है मैंने ज्वाइन किया पीडब्ल्यू क्यों बिकॉज मैंने पीडब्ल्यू के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है मैं पीडब्ल्यू में इंटरेस्टेड हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन में येस और नो यस अरे एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय जब वो काम करता है किसी कंपनी में तो वो क्या सोचता है इस कंपनी में को ग्रोथ मिलेगी मेरे को पैसा मिलेगा मेरा रेप्यूटेशन बढ़ेगा तो भाई साहब वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक करेगा ना समझे क्या मेरे को बात समझाओ मैं तुमको बोलता हूं एक कंपनी है एक्सवाइजेड जो पिछले तीन साल से लॉसेस में है और वो बंद होने वाली है क्या तुम उसका जॉब ऑफर लोगे क्या क्या उस कंपनी जाके तुम जॉब करोगे क्या नहीं आप हमेशा उस कंपनी में जाके काम करोगे जो कंपनी में आपको लगता है आपका ग्रोथ है रेप्यूटेशन बढ़ेगा ऑनेस्टली बता रहा हूं एम्प्लॉइज यही सोचते हैं ओके लेट्स मूव फर्दर लीडर्स लीडर्स नहीं है लेंडर्स है लेंडर्स मतलब यहां पे लीडर्स लिखा हुआ है गलती से लेंडर्स, लेंडर्स मतलब वो लोग जो आपको पैसा उधार देते हैं लाइक like बैंक और ये उधार आपको रीपे करना पड़ता है हा ये उधार आपको रीपे करना पड़ेगा ब्याज समेत तुम्हें कोई बात बताओ एस ने अदानी को पैसा दिया क्यों दिया कर्जा दिया हा SBI ने अदानी को कर्जा दिया क्यों दिया बिकॉज एस को उस कर्जे पे ब्याज चाहिए लेकिन एस हर साल अदानी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा और अपने आप को शांति अपने आप को दिल को शांति देगा हां 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 हा। अदानी मेरा लोन का अमाउंट भी चुकाएगा और मेरा ब्याज भी चुकाएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मेरे को शांति हुई हां बहुत सारा पैसा दिख रहा है अदानी के पास वो पैसा नहीं डुबाएगा डन 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 चलने दो लोन और बेटा जिस दिन डुबाने पे आ गया ना दुख 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 क्लियर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बता देते हैं कहीं ना कहीं हिंट देते हैं कि भाई साहब क्या कोई कंपनी आपका पैसा डुबाने वाली क्या किंगफिशर को लोन दिया गया था एक समय के बाद बैंकर्स को पता चल गया था किंग फिशर हमारा पैसा डुबाने वाला है बात खत्म ओके कैसे पता चला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसके बाद सप्लायर्स और क्रेडिटर्स मेरे को एक बात बताओ एक बात बताओ सपोज मैं आपको बोलता हूं आ हम्म एक काम करते हैं यहां पे रिलायंस टेक्सटाइल है यहां पे क्या है रिलायंस टेक्सटाइल ठीक है ओके अरे नहीं रिलायंस नहीं लेते अभी टाटा लेते अच्छा एग्जाम्पल आ गया टाटा मोटर्स अब मेरा का काम है टायर्स का काम है मेरा कहेगा काम है टायर्स और मेरे कंपनी का नाम क्या है अपोलो टायर ठीक है मेरे कंपनी का नाम क्या है अपोलो टायर या आप बोल सकते हो एम जो आपको ठीक लगे ओके अब मैं टाटा की जितनी गाड़ियां आती है उसमें जो टायर लगते हैं वो अपोलो टायर लगते हैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं अच्छा मैं बात बताओ टाटा इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या अपोलो टायर टाटा को उधार देता होगा बिल्कुल उधार देता होगा भाई साहब टाटा को तो हर कोई उधार देता होगा लेकिन अपोलो टायर उधार में टायर्स बेचता होगा टाटा मोटर्स को बिल्कुल सर अच्छा अपोलो टायर टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देखेगा या नहीं देखेगा बिल्कुल देखेगा बिकॉज वो उधार में माल बेचता है वो बैलेंस शीट देखता रहेगा कि भाई साहब कल को ऐसा तो नहीं ये किसी और उधारी ना चुका पाए मेरी मेरा तो पैसा डूब जाएगा तो एज अ सप्लायर एज अ क्रेडिटर फॉर टाटा मोटर्स मैं उसकी बैलेंस शीट देखता रहूंगा और मान लो मेरा पूरा धंधा डिपेंडेंट है टाटा पर टाटा ही इकलौती कंपनी है जो मुझसे माल खरीदती है मैं तो और डर डर के देखूंगा अब टाटा बंद होगी तो मैं बंद हो जाऊंगा टाटा नहीं चली तो मैं भी उड़ जाऊंगा मार्केट से तुम समझ रहे हो अगर आप डिपेंडेंट हो उस कंपनी पे तो भाई साहब आपको तो रोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने चाहिए आप रोज न्यूज पढ़ोगे वो कंपनी में घोटाला तो नहीं हुआ अदरक लसन बिकॉज कल को वो कंपनी बंद हुई मैं बंद हो जाऊंगा क्लियर सॉलिड है भाई सो यस यू हैव एग्जांपल लाइक दिस अब कस्टमर्स तुमको पता है तुमको सही सी जेन्यून जेन्यून बताऊं मैं जियो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूं हर साल क्यों देखते हो सर एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है आप जियो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखते हो पता है मैं आपको बताता हूं मेरे घर पे सिर्फ एक ही कंपनी का नेटवर्क आता है वो है जियो ठीक है मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है वो भी जियो का है ओके तब सौ बात की एक बात मेरे घर पे कोई और नेटवर्क आता नहीं है मतलब एयरटेल भी आता एयरटेल आता है बट रेंज कम है एयरटेल की मेरे पास एयरटेल का भी सिम है बट उसमें नेट उतना अच्छा नहीं चलता ओके तो मैं जियो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता रहता हूं है अंबानी जी जियो बराबर चलाओ जियो पे मैं डिपेंडेंट हूं जियो बंद तो मेरे दिक्कत हो जाएगी क्लासेस कैसे लूंगा बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे व्हाट्सएप कॉल कैसे करेंगे मैडम को कॉल कैसे करेंगे समझो तुम्हें तो कितना डिपेंडेंट हूं जियो पर आज के तारीख में आप दो कंपनीज पे डिपेंडेंट रह गए हो एयरटेल और जियो अगर ये दोनों कंपनी बंद हुई इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर गायब हो जाएगा क्लियर है कनेक्टिविटी टूट जाएगी तो एज अ कस्टमर मैं एयरटेल की भी बैलेंस शीट देखूंगा मैं जियो की भी बैलेंस शीट देखूंगा हो सबको क्लैरिटी है वाई कस्टमर इंटरेस्टेड बिकॉज कस्टमर का फंक्शनिंग अरे भाई मेरा टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन जियो का नेट जियो का नेट नहीं तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाता हूं पढ़ा पाऊंगा क्या नहीं ओके okay? चलो गवर्नमेंट अरे गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स मिलते ना इसलिए अच्छा इसके अंदर ना यहां पर दिख नहीं रही है एक स्लाइड है नीचे से पब्लिक एट लार्ज पब्लिक इज आल्सो इंटरेस्टेड क्यों अरे भाई साहब जितनी ज्यादा कंपनी जितनी ज्यादा इंडस्ट्री रहेंगी और जितनी अच्छा इंडस्ट्री ग्रो करेगा उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा सोसाइटी का भला अब सपोज करो राजस्थान में एक छोटा सा गांव है उसके बाजू में टाटा ने अपनी एक कंपनी डाल दी तो कहना है से आजू बाजू की सोसाइटी डेवलप हो जाएगी आजूबाजू के गांव डेवलप हो जाएंगे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी दैट्स एंड इसलिए पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहती है पब्लिक पब्लिक मैंने बता दिया क्योंकि एक कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अरे क्या वगैरह भाई देखो एक कंपनी कंट्रीब्यूट करती है टू द लोकल इकोनोमी और वो जॉब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है उसके बाद मैनेजमेंट क्यों अरे मैनेजमेंट क्यों मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है धंधा प्रॉफिटेबल चल रहा नहीं चल रहा ये लोग तो है जो डिसीजन लेंगे धंधा बंद करना धंधा एक्सपांड करना नया प्रोडक्ट लाना मैनेजमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट अच्छा ट्रू ऑफॉल्स बताना है आपको ये हो गया अपना वो टॉपिक खत्म हो चुका है अच्छा उसका क्वेश्चन क्या था सर वो तो बता दो कस्टमर ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर एज यूजर ए अरे कस्टमर भी यूजर है मैं डिपेंडेंट है जियो पर नहीं तो मैडम को कॉल नहीं होता मैडम को कॉल नहीं होता तो मैडम बहुत मारती ओके okay? चलो आंसर इज फॉल्स बैलेंस शीट शोज द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ डे हा ना यार अपन लिखते ना बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो यस बैलेंस शीट इकतीस मार्च दो हजार तेईस की पोजिशन बताएंगी आपको उस दिन की पोजिशन बताएगी बट क्या बैलेंस शीट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है क्या अरे नहीं रे बाबा बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन पास्ट वो फ्यूचर कभी नहीं बता सकती बैलेंस शीट आपको खुद से कभी फ्यूचर नहीं बता सकती क्लियर फ्यूचर डेट की बैलेंस शीट कभी नहीं बन सकती क्लियर अब कोई बोलोगे सर बैंक में जो देना पड़ता है एस्टीमेट बेटा जो हम बैंक में देते हैं ना हम एस्टीमेट देते हैं कि हाँ हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हमको लग रहा है लगने से कुछ नहीं होता लगने में तो तुमको भी लगा था तुम उससे शादी करोगे बट वैसा हुआ क्या लगने को तो तुमको भी लगा था वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा या रहेगी बट तुम्हारे लगने से कुछ होता क्या नहीं जब तुमने हा बोला था तब तुमको लगा था आज पूछो कहां गई या कहा गया पता चला क्या फ्यूचर इज अनसर्टेन तो बैलेंस शीट विल गिव यू अ करेक्ट पिक्चर ऑफ पास्ट बट उस बेसिस पे आप फ्यूचर का करेक्ट पिक्चर नहीं ले सकते ठीक है तो वो एक सिंगल डे की बनती है नेक्स्ट अच्छा अब यहां पे देखो यहां पूछ रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग ट्रू ऑफॉल्स है आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असरटेनमेंट ऑफ फिनेशियल पोजिशन असरटेनमेंट ऑफ फिनेशियल इफेक्ट पोजिशन नहीं आ मैंने पोजिशन गलती से बोल दिया था बिल्कुल सर बुक कीपिंग में क्या होता है जर्नल एंट्री होती है जर्नल एंट्री के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस सब बनाया जाता है सो ऑन एंड सो फोर्थ तो यस ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और हेल्प करना करना मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करना अच्छा, ये तो पूछा, मैंने ला लिया आपके लिए दो ऑब्जेक्टिव है आपके मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डिंग और असरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल इफेक्ट तो जो ऑब्जेक्टिव के जो दो बोल्ड लेटर्स है उसी से उसी से क्या बनाया हुआ है आपके लिए ट्रू ऑफ फॉल्स सो यस ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग वो भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड असरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल इफेक्ट सर फिनेंशियल इफेक्ट और पोजीशन में फर्क क्या होता है फिनेंशियल इफेक्ट और फिनेंशियल पोजीशन में क्या फर्क होता है ये अगर आपके दिमाग में अभी तक डाउट नहीं आया तो मैंने डाउट डाल दिया फिनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट देखो और एनालाइज करो कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी बट फिनेंशियल इफेक्ट मतलब कैश अकाउंट डेबिट जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं टू सेल्स तो इसका फिनेंशियल इफेक्ट क्या है पैसा आया और क्यों आया क्योंकि आपने माल बेचा तो मेरा सेल्स बढ़ गया और मेरे पास कैश आ गया ये फाइनेंशियल इफेक्ट है बुक कीपिंग का जर्नल एंट्री का फाइनेंशियल इफेक्ट है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है आपने जर्नल एंट्री पास कर दिया उसके बाद लेजर पोस्टिंग हो गया उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लिया ट्रायल बैलेंस के बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो और आप एनालाइज करते हो कि कंपनी लंबा चलेगी या नहीं चलेगी ये मैं आपको जितना थियोरी दे रहा हूं उतना थियोरी आपके लिए बहुत है टू डू गुड इन थियोरी ओके राजा सर और एक सेशन yes, होगा थियोरी का यस होगा थियोरी एक बार में जो इंपॉर्टेंट है वो पूरी ले लो फिर बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली थियोरी अपन करेंगे चलो अब सर इवेंट और ट्रांजैक्शन के बीच का फर्क बता दो आज वो दिन आ चुका है मैं आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन के बीच का फर्क बता रहा हूं देखो बेटा प्रैक्टिकली कुछ और है बट मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ा रहा हूं सब प्रैक्टिकली क्या होता है आपका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज मॉड्यूल जो बोलता है वो अपने लिए फाइनल है एज ऑफ नाउ अच्छा ट्रांजैक्शन मतलब हैपनिंग और नॉन ऑपनिंग ऑफ एनीथिंग तो ट्रांजैक्शन हो गया और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे हां सर तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आपने परचेज किया सौ यूनिट आपने परचेज किया है सौ यूनिट कितने रुपए का एक लाख रुपए का आपने बेच दिया है परचेज एक ट्रांजैक्शन है सेल आपने सौ यूनिट बेच दिया है डेढ़ सौ नहीं लेते हैं। नब्बे यूनिट आपने बेच दिया है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड में तो अब सर मैंने परचेज किया था सौ यूनिट बेचा है नब्बे तो सर इसे ट्रायल बैलेंस में सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताओ हमको ठीक है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट परचेस किया था सौ यूनिट क्या भाव से एक लाख सेल कर रहा हूं नब्बे यूनिट एक लाख बीस हजार के अच्छा मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा अरे कंसाइनमेंट चैप्टर तो आता है ना तुमको क्लोजिंग स्टॉक सर दस यूनिट बचे और एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया हजार तो दस का कितना हो गया दस हजार यहां पर हो गया एक लाख तीस हजार यहां पर भी कितना हो जाएगा एक लाख तीस हजार तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है तीस हजार रुपए अब परचेस परचेस करना एक ट्रांजैक्शन है सेल करना एक ट्रांजैक्शन है अब आपने परचेज 100 यूनिट किया था बेचा नब्बे तो 10 यूनिट बच गए ये 10 यूनिट इज द इफ़ेक्ट। ये 10 यूनिट को क्या बोला जाता है एंड इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, इफेक्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, इफेक्ट क्या है सौ खरीदा नब्बे बेचा तो दस यूनिट बच गए तो ये है इफेक्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये भी एक इफेक्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन है कि भाई साहब आपने ये नब्बे यूनिट फायदे में बेचे क्लियर कितने का फायदा तीस हजार रुपए का तो ये भी एक इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है तो इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट ठीक है भाई सबको इवेंट समझा सबको इवेंट समझा एवरी वन क्लियर क्लियर आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन परचेज मैंने गुड्स खरीदा मैंने गुड्स बेचा गुड्स खरीदा सौ बेचा नब्बे तो कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक दस ये जो दस क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां से आया ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है तो ये क्या हो गया इवेंट अच्छा आपने फायदे में बेचा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है तो ये भी क्या हो गया आपके लिए इवेंट इवेंट आर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्लियर अब सर हमने जो बचपन में पढ़ा था वो अलग है देखो बेटा बचपन में जो पढ़ा था वो हटा दो आज के तारीख में आईसीआई का मॉडल क्या बोलता है अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है क्लियर वो आपका क्या बन जाएगा इवेंट एग्जांपल दे रहा हूं जनवरी एक को सोहन पेड रेंट तो उसने रेंट पे किया अच्छा रेंट एक खर्चा है बिल्कुल तो रेंट क्या है एक ट्रांजैक्शन अच्छा आपने माल बेच दिया माल बेचने के बाद आफ्टर सेल ऑफ गुड्स टू थाउजेंड ही इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग इन्वेंट्री टेन थाउजेंड तो ये क्या हो गया एक इवेंट माल बेचने के बाद जो उसका असर है वो असर क्या है सौ यूनिट खरीदा था नब्बे यूनिट बेचा तो उसका असर क्या हुआ दस यूनिट बचा हुआ है ये दस यूनिट क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो एक तरह का क्या हो गया आपका इवेंट तो ये थियोरी है ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन कब होता है जब एक बिजनेस में आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो लाइक परचेस करना सेल करना एसेट खरीदना चेज एंड सेल ऑफ गुड्स एसेट का परचेज सेल का ये आप एक्टिविटी कर रहे हो कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो क्लियर तो वो हो गया आपका एक ट्रांजैक्शन अब आपने गुड्स परचेस किया सेल किया तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो गया इवेंट गुड्स खरीदा गुड्स बेचा तो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट क्यों हुआ बिकॉज ट्रांजेक्शन हुए तो ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट था वो प्रॉफिट था एसेट खरीदा सौ में बेचा अस्सी में बीस रुपए का नुकसान ये क्यों हुआ? बिकॉज़ आपने एसेट खरीदा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया एसेट बेचा ये भी एक एक्टिविटी परफॉर्म किया इसका इफेक्ट क्या है बीस रुपए का नुकसान तो वो क्या बन गया आपका इवेंट इवेंट आर दर हैपनिंग और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस इवेंट एक रिजल्ट है लाइक like, आपने पेपर लिखा यह एक ट्रांजैक्शन है बिकॉज आप लिखने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे बट रिजल्ट आया पास हो गए आप करोड़पति बन गए तो यह क्या है एक इवेंट मुन्ना क्लियर है यहां पे सबको लेट्स मूव फर्दर सर अब रिलेशनशिप बताओ अरे काय का सुनो अकाउंट्स <laughs> का इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन क्या है मतलब अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है अकाउंट्स का नहीं यहां अकाउंटिंग का अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग ब्ला 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 अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है अकाउंटिंग का स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेशनशिप क्या है और लॉ के साथ रिलेशनशिप क्या है क्वेश्चन तीन के बारे में है बट मैं आपके लिए पांच रिलेशनशिप लेके आया हूं ठीक है अब बहुत कॉमन है बहुत सिंपल है अकाउंटिंग का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के साथ अच्छा Love, sir, अपने को पढ़ाते हैं रिसोर्सेस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ये आपका दोस्त मेंटोर आपका भाई लव कौशिक अरे हाया ना ऐसे तो आते सर क्या मजाक एकदम तड़ा बोलते भाई साहब वो ठीक है तो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में रिलेशन समझ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स बताता है रिसोर्सेज आर स्केर्स वॉन्ड्स आर अनलिमिटेड अच्छा इकोनॉमिक्स और चीजें बोलता है कि रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करो क्लियर एंड यस फास्ट ट्रैक बैच में अगर कोई है तो कंचन मैम बोलते हैं कंचन मैम लव सर रिसोर्सेज आर स्केयर वॉन्ड्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर स्केयर वॉन्ड्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर स्केयर वॉन्ड्स आर अनलिमिटेड मैंने डांस किया तुमको पता है तुमको समझा ही नहीं क्लियर तो ये चीज तो वो आपको सिखाते ही है उसके अलावा वो आपको ये भी सिखाते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ सो इकोनॉमिक्स का दो दो काम है क्योंकि रिसोर्सिस स्केर है तो उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए बिल्कुल देखो मेरे को भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आता है इकोनॉमिक्स कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ एफिशियंट यूज ऑफ स्केर रिसोर्सिस ठीक है अच्छा ये एक्टिविटी ये परफॉर्म करना है इसके लिए इन्हें डेटा लगता है अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ सिस्टम विच प्रोवाइड डेटा टू द यूजर टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन सो कहीं ना कहीं अगर जी डी पी कैलकुलेशन लव सर या कंचन नाम आपको करा रहे हैं तो जीडीपी कहां से आ रही है कैलकुलेशन में अकाउंटिंग से आ रही है ओके okay? तो अकाउंटिंग क्या करता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है जो इकोनॉमिस्ट यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के लिए ओके okay? सॉर भाई यहां पे चलो अब अकाउंटिंग एंड स्टैट्स भाई साहब राहुल सर मैथ्स एल आर एंड स्टैट्स क्लियर मैथ्स एल आर एंड स्टैट्स स्टैट्स में तुम बहुत पढ़ते हैं बाबा क्या पढ़ते अरे कौन है वो भारी वाला साइंटिस्ट उसका नाम क्या यार वो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसने दिया था बहुत भारी नाम है उसका अच्छा स्टैटिस्टिक्स चलाई जाती है स्टैटिस्टिक्स क्या है फॉर्मूले है डेरीवेशन है बहुत भारी है भाई साहब ठीक है स्टैट्स मतलब बहुत भारी फॉर्मूले डेरिवेशन तो हमें बात बताओ स्टैट्स कोई ना कोई डेटा पे अप्लाई किया जाता है वो डेटा कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से आता है यस yes, यस yes, जरूर नहीं है हर डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आता है बट बहुत सारा डेटा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से आता है क्लियर अरे हाँ वो याद आ गया काल पियर्सन भाई साहब वो आदमी इतना भारी है उसका नाम इतना भारी है उसने क्या भारी चीजें दी है चीजें अप्लाई होती है बहुत सारी जगह मतलब एक छोटा सा फॉर्म छोटा नहीं बोल सकते मैं फॉर्मूला बहुत तगड़ा है भाई का बहुत मेहनत किया था उसने तो अकाउंटिंग क्या करता है रिकॉर्ड करता है बट अकाउंट्स का शॉर्ट टर्म व्यू रहता है ओके शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ इवेंट इवेंट मतलब रिजल्ट्स एंड आर कंफाइंड विथ Year. अरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईयर बाय ईयर चलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईयर बाय ईयर चलते हैं और अकाउंट्स इज लिमिटेड टू वन ईयर फिर हम अगले साल जाएंगे तो हम अगले साल के हिसाब से सोचेंगे फिर हम अगले साल जाएंगे अगले साल के हिसाब से सोचेंगे पास्ट डेटा है अपने पास ठीक है स्टैटिस्टिक्स क्या करता है स्टैटिस्टिक्स एनालाइज मोर देन वन ईयर वो लेता है रिकॉर्ड एक साल से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स एक साल से ज्यादा रिकॉर्ड यूज करता है और उसको रिकॉर्ड कौन देता है अकाउंट्स देता है अकाउंटिंग देता है ओके okay? सब so आगे समझो एक चीज और समझो क्लियर स्टैटिस्टिकल मेथड्स डू यूज पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में पता है आपने अगर ट्वेल्थ किया होगा तो रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर आता है वो रेशियोस कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से आते हुए हैं ओके तो स्टैट्स पास्ट डेटा से कुछ चीजें निकालता है पास्ट डेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एनालिसिस कहीं ना कहीं किया जाता है स्टैट्स को लेकर लेट्स मूव फर्दर अकाउंटिंग एंड मारे यार राहुल सर इतने बार क्यों आ रहे अरे यार राहुल सर इसलिए आ रहे क्योंकि कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक दिया था याद है अपना फादर कार्ल पियर्सन नहीं लूका डी पासिओली एरिथमेटिशियन लूका डी पासिओली एरिथमेटिशियन उन्होंने क्या बोला था एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस एच वैसे ही डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अरे यार अकाउंट्स और मैथ्स का कितना तगड़ा सिंक है तुमको समझ रहा है वो एरिथेमैटिशियन साइंटिस्ट थे ठीक है तो मतलब कहीं ना कहीं डबल एंट्री बुक कीपिंग इजाद एरिथमेटिशियन से हुआ है हर चीज के दो पहलू रहते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट ठीक है भाई सो डबल एंट्री बुक कीपिंग का फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ऐसेड इक्वल टू लाइबलिटी प्लस कैपिटल जो कि हम ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं आपको आपको मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है एडीडी के अंदर फिर नॉर्मल निकाला है अपन ने पार्टनरशिप जब किया था एवरेज टाइम फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट ड्राइंग फिर फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तो एवरेज टाइम निकाला था ये सब कहां से आता है मैथ से आता है ओके सो so, मैथ्स का आगे लगता है सर बहुत सारी जगह लगता है अकाउंट्स में ये उसके फ्यू एग्जाम्पल है इंटरेस्ट में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो तुम टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट लाइफ को डिवाइड करके ये सब मैथ्स ही है ना प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मैथ्स मैथ्स के बिना अकाउंट्स पॉसिबल है क्या नहीं ओके सर लॉ अरे भाई साहब गुरप्रीत सर आ गए मतलब सारे सीए फाउंडेशन की टीम अकाउंट्स के हैं अकाउंट्स उनके बिना चल ही नहीं पा रहा हम बोलते थे अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट है बट देखो बहुत सारी चीजें रेगुलेट हो रही है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कैसे सिंक होता है अकाउंट्स चैट कैसे सिंक होता है अकाउंट्स मैथ्स अकाउंट्स लॉ मेरे को बात बताओ मेरे को ना नागपुर में कसिनो खोलने का है डन डिनो खोलने का है बोलो खोल पाऊंगा नहीं गोवा में मैं कसीनो खोल सकता हूं क्या जमीन पे नहीं कसीनो इंडिया में खोला जा सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी पे लैंड पे नहीं खोला जा सकता इसलिए सारे के सारे कसीनो पानी पर है कसीनो आपको गोवा में मिलेंगे और गोवा पे वो लैंड पे है क्या नहीं पानी पर है अब बात बताओ आप अकाउंटिंग किसकी करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसका बिजनेस का अच्छा बिजनेस लीगल रहेगा <laughs> तो अकाउंटिंग करोगे ना ए, चले काम कर चरस का धंधा करते हो उसकी अकाउंटिंग करेंगे चरस के धंधे की अकाउंटिंग अरे यार मतलब लॉ कहीं ना कहीं अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस करता है क्लियर अगर कैसीनो लैंड पे खोलना अलाउड होता था तो खोल सकते थे हाँ बट अलाउड है क्या नहीं ओके सो so, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और लॉ बहुत क्लोजली लिंक्ड है आप अकाउंटिंग किसी करते हो फैंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके होते हैं बिजनेस और कौन सा बिजनेस लीगल है वो कौन बताता है लॉ बताता है तो गुरप्रीत सर को बोलो ठीक है उसके बाद अकाउंट्स के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी चलता है बिल ऑफ एक्सचेंज याद है तुम देख रहे हो अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था तीन दिन ऑफ ग्रेस हा है ना यस फिर सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल भी लगता है अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब गुरप्रीत सर ने तुमको पढ़ाए हुए है यार कोई नहीं क्लियर ए लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट भैया अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है डिसीजन मेकिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग अगर अच्छी रहेगी तो धंधा चलेगा धंधा चलेगा तो अकाउंटिंग होंगी <laughs> कितने लिंग अच्छे से मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन लेगा कौन देगा उसे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग अच्छा मैनेजमेंट ने सही डिसीजन लिया तो आगे धंधे में अकाउंटिंग होंगी मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिया तो अकाउंटिंग बंद क्योंकि धंधा बंद क्लियर तो ये दोनों क्लोजली लिंक्ड है ओके डिस्कस दी लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और बापरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका पी आरटीपी में भी था और एमटीपी में भी था फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपके लेवल पे बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सी ए फाउंडेशन में इतना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके लिए ओके okay? इसके लिमिटेशन क्या है सबसे पहला लिमिटेशन ह्यूमन रिसोर्स को आप अकाउंट नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेट्स टॉक एग्जांपल ऑफ पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है टेक्नोलॉजी की टीचर्स टेक्नोलॉजी की फैकल्टीज़, फैकल्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फैकल्टीज आर द रूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज रूट्स रहते हैं जड़ है एम्प्लॉयज जड़ है एक ऑर्गेनाइजेशन की बट क्या आप उस एम्प्लॉय का वैल्यू निकाल सकते हो क्या नहीं आप उस एम्प्लॉय का वैल्यू निकाल पाओगे क्या नहीं सो यस फैक्टर्स रेलिवेंट इन असेंसिंग द वर्थ ऑफ द्राइज एक एंटरप्राइज कितना वैल्यूबल है यह निकाल पा रहे हो क्या आप नहीं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का उस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को आप वैल्यू नहीं कर सकते हो क्लियर लाइक ह्यूमन रिसोर्स डोन्ट फाइंड प्लेस इन दी अकाउंट क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मॉनिटरी में वैल्यू नहीं हो सकते इसलिए उसकी अकाउंटिंग नहीं होती दूसरा बैलेंस शीट अब देखो अपन एक ट्रू ऑफ फॉल्स किया था देखो ट्रू ऑफ फॉल्स कहां से उठ के आया है ये लाइन पढ़ो बैलेंस शीट शोज द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ डे नॉट ऑन द फ्यूचर डेट ये सेम लाइन ट्रू ऑफ फॉल्स में थी येस yes. यही से उठाया और ट्रू ऑफ फॉल्स बना दिया क्लियर है मुन्ना तो आईसीएस सिर्फ मॉड्यूल से उठाता है थियरी तो अगर हमारी थियोरी मॉड्यूल की बहुत अच्छी है और जो मैं करा रहा हूं प्रोबेबली वही से आएगी फॉर श्योर क्लियर मतलब अ गट फीलिंग नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट जितनी मैं थ्योरी करा रहा हूं उसमें से ही आएगी देखो बेटा पांच परसेंट आपको आईसीए को देना पड़ेगा एट अलास वो भगवान है क्लियर और मैं शिष्य ठीक है क्लियर सो यस बैलेंस शीट जो है वो एक सिंगल दिन की बनती है नॉट ऑन फ्यूचर डेट क्लियर और एक यूजर्स यूजर्स मतलब इन्वेस्टर्स कस्टमर्स इन सब का इंटरेस्ट क्या रहता है कि फ्यूचर में ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी बट क्या अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता पा रहे क्या फ्यूचर में हंड्रेड परसेंट श्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं क्या अकाउंट श्योरिटी दे पा रहा है क्या हंड्रेड परसेंट फ्यूचर में धंधा बंद हो जाएगा हंड्रेड परसेंट फ्यूचर में धंधा चलेगा नहीं ये उसका लिमिटेशन है कि वो हंड्रेड परसेंट तो कुछ नहीं बता सकता ओके डन उसके बाद हम जब पढ़ते थे एक प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बिजनेस में दिखते रहना चाहिए यस और नो हा तो कहना है कहीं ना कहीं इंफ्लेशन इग्नोर हो रहा था मैंने एक लैंड खरीदा था 2001 में जो 10 लाख रुपए का था आज उस लैंड का वैल्यू है पांच करोड़ बट अकाउंट्स की बैलेंस शीट में आज भी कितने का ही दिख रहा है वो लैंड दस लाख रुपए का ही इन्फ्लेशन के वजह से मार्केट पोजीशन बढ़ने के वजह से मेरे लैंड का वैल्यू बढ़ा है बट कहीं ना कहीं वो अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के वजह से उत्ते पे दिख रहा है और साथ में उसके साथ चिंगड़ी करने आ जाता है prudence. ये दोनों मिलके मेरे को चेंजेस इग्नोर करवाते हैं मत बढ़ाओ वैल्यू मत बढ़ाओ घटाओ 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 कम हो रही है तो घटा दो बढ़ाओ नहीं नहीं बढ़ाना नहीं कम हो रही है तो कर दो बढ़ाने का नहीं ओके okay? उसके बाद प्रिंसिपल्स के बीच में झगड़े मटेरियलिटी प्रिंसिपल कुछ और बोलता फुल डिस्क्लोजर कुछ और बोलता मटेरियलिटी बोलता है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जो यूजर का डिसीजन मेकिंग चेंज करे बट फुल डिस्क्लोजर बोलता है हर चीज डिस्क्लोज करो ये दोनों आपस में झगड़ लिए हिस्टोरिकल बोलता है कि भाई साहब जिस रेट में खरीदा उसी रेट में दिखने दो प्रूडेंस बोलता है ओए वो मोबाइल जो तूने नब्बे हजार का खरीदा था चार साल बाद उसका वैल्यू पचास हजार हो जाएगा तीस हजार हो जाएगा लॉस को रिकॉग्नाइज कर और वो लॉस एसेट में से माइनस कर ले ये दोनों आपस में झगड़ते रहते प्रिंसिपल्स आपस में झगड़ रहे ठीक है सर सर्टेन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स पर्सनल जजमेंट पे रहते हैं अब देखो मैं आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं एस एल एम मेथड कॉस्ट हमको पता रहती लाइफ ऑफ द एसेट एस एल एम मेथड के अंदर लाइफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ एक पर्सनल एस्टिमेट है कोई बोलेगा मैं दस साल यूज करूंगा कोई बोलेगा मैं पांच साल कोई बोलेगा बीस साल कोई बोलेगा दो साल हर एक के हिसाब से लाइफ डिफरेंट है उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू किसी के हिसाब से पांच साल बाद इस फोन का वैल्यू तीस हजार है किसी के हिसाब से चालीस किसी के हिसाब से पचास किसी के हिसाब से बीस तो ये एक एस्टिमेटिव हुआ ना और एस्टिमेट पर्सनल जजमेंट पे चेंज हो जाता है परफेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट लिमिटेशन एक बार स्टार्टिंग से रिकैप करते हैं पहला लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो द रियल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल इनपुट्स और एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल परमिट पहला दूसरा इन्फ्लेशन इग्नोर होता है तीसरा प्रिंसिपल के बीच में झगड़े रहते हैं चौथा एस्टिमेट पर्सनल जजमेंट पे चलता है और पांचवा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेम थिंग अरे डेप्रिसिएशन लगाने के खुद में दो मेथड है और एक अकाउंटेंट जो मेथड से प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा वही मेथड तो चूज करेगा अगर उसका धंधा लॉस में है और अगर उसका धंधा बहुत प्रॉफिटेबल में है उसको इनकम टैक्स नहीं भरना तो वो मेथड चूज करेगा जिससे प्रॉफिट कम से कम आए तो क्या मैं बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन के वजह से भी मैन्युपुलेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के कितने अलग अलग मेथड है लीफो फीफो वेटेड एवरेज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस बाप रे तुम समझ रहे हो कितना मैन्युपुलेशन पॉसिबल है क्लोजिंग स्टॉक को दस लाख से बढ़ा दो प्रॉफिट दस लाख से बढ़ जाएगा कितना सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन समझे अच्छा एक चीज समझाओ ये सेम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के भी लिमिटेशन है तो एक बार जब आप मॉड्यूल में चेक करोगे ना लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ये सेम पॉइंट मिलेंगे सर क्यों अरे अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समराइजिंग मतलब क्या होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ही तो होते हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जब अकाउंटिंग के अंदर है तो ये सेम लिमिटेशन अकाउंटिंग के भी रहेंगे मैं दो दो बार क्यों पढ़ू सेम चीज तुम समझ रहे हो कितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है कितनी तुमसे मेहनत करवाई जा रही है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट अरे दोनों सेम है परफेक्ट So, होप्स हो सबको यहां तक समझा होगा राजा अरे तुम क्या बनने वाले हो सी ए बनने वाले हो तो सी ए कौन सी कौन सी सर्विस देता है सोसाइटी को सोसाइटी मतलब पब्लिक एट लार्ज को ओके okay? क्या क्या सर्विस देता है पहला टैक्सेशन का सर्विस तो देगा टैक्स ऑडिट एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हम इनकम टैक्स के वजह से करते हैं और एक होता है इंटरनल ऑडिट जब हमको कोई बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बोल रहा मैं तुमको बोल रहा हूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके दो वो क्या होता है इंटरनल ऑडिट तो टैक्सेशन की सर्विस ऑडिट की सर्विस ऑडिट दो तरीके होते हैं स्ट्रेटी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल एंट्री पास करवाना लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट बनवाना ये सब भी एक सीए कर सकता है और सर्विसेज दे सकता है इंटरनल टैक्सेशन मैनेजमेंट को हेल्प कर सकता है कैसे अब आप ये समझो मैनेजमेंट में कोई ऐसा इंसान है जिसको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता उसको फिक्स एसेट का मतलब नहीं समझ रहा सीए आएगा मैनेजमेंट को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंसल्टेंसी सर्विसेज और कोई मेरे को पूछेगा कि सर रिलायंस के शेयर खरीद लू कि अदानी के खरीदू सर रिलायंस के शेयर बेच दू कि अदानी के बेचू सर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना है क्या फाइनेंशियल एडवाइस सर इन्वेस्टमेंट करना है कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालू सर इन्वेस्टमेंट करना है कौन कहां पे प्रॉपर्टी खरीदू ये सारी सर्विसेज भी एक सीए देता है परफेक्ट सो वी आर डन विथ दिस अब आप क्या सामने आ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परफेक्ट लेट्स मूव द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ है अभी आपके लिए मैं लेके आया हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा एक बार थियोरटिकल पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या करता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और वो यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है ये उसका एंड पर्पस है लेकिन अकाउंटिंग में आप दो चीजें बनाते हो सर, रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारे लिए हो गया बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अब सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा वो कौन डिसाइड करता है उसका नेचर कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है अब कैपिटल के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी कैपिटल के अंदर कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू रिसीट और सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल मैं कुछ तो बोला यार कुछ तो मैंने गड़बड़ी में बोला पता नहीं कुछ तो मैंने बोला <laughs> मैं खुद दो मिनट के लिए मेरे को लिख के आता मैं लिख के बताता हूं मैंने कुछ तो बहकी बहकी बातें की आपके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल रिसीट होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसीट भी होती है अब कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी ये चारों हेल्प करते हैं आपको डिसाइड करने में अब मैंने आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल किया है ताकि अब कोई स्कोप ना बच जाए कंफ्यूजन का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एनालाइज करना चाहिए टू डिसाइड वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है ठीक है अब कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे दिमाग में डाल दो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में चालेंगे दिमाग में डाल दो ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सर एक्सपेंडिचर का मतलब पहली बात तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है अगर आपने पैसा भाया है बहाया है क्लियर लेकिन वो जनरेट कर रहा है आपको बेनिफिट्स और वो बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा आपको मिलेंगे तो वो क्या हो गया आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आई रिपीट वंस अगेन अगर आपने आउटफ्लो ऑफ कैश किया है और वो आउटफ्लो से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म तक आप रेवेन्यू जनरेट करोगे तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक अगर मैं बात करूं एक बंदा है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग काय की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो शूज की जूते की तो मेरे को बात बताओ जूते बनाने के लिए मशीन लगती है वो मशीन से जूते बनाएगा वो जूते से वो जूते को बेचेगा बेच के प्रॉफिट कमाएगा अच्छा ये मशीन सिर्फ एक ही साल जूता बना के देंगी कि बहुत सारे साल तक जूता बना के देंगी सर बहुत सालों सालों तक जूता बना के देगी और सालों तक जूता बेच के प्रॉफिट कमाया जाएगा तो मशीन आपके लिए क्या हो गई एसेट बिकॉज ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है जूता बना के और जूता बिकेगा तो प्रॉफिट होगा ओके अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ये खर्चे का बेनिफिट एक साल से कम रहता है एक्सपेंसेस फॉर द ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं मतलब बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बट इनका बेनिफिट क्या है एक अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 महीने या उससे कम का इनका बेनिफिट रहेगा और दूसरी बात ये खर्चे किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए हाँ हाँ सर वापस से क्या बोल रहे हो मैं आपके सामने लिख रहा हूं मशीन को आपने परचेज किया तो मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मशीन से जूते बनेंगे वो जूते बहुत लंबे टाइम तक बनेंगे वो जूते बेच के रेवेन्यू मतलब सेल्स आएगा जूते बेच के सेल्स आएगा और सेल्स करोगे तो क्या आएगा प्रॉफिट क्लियर अब मैं बात करता हूं पीडब्ल्यू की पीडब्ल्यू सैलरी पे करते हैं सैलरी एक खर्चा है अब मेरे को बात बताओ ये सैलरी का बेनिफिट क्या है कि आपके पास वो इंसान ने एक महीना काम करेगा तो आप उसको एक महीने का सैलरी दोगे तो बहुत शॉर्ट टर्म है बारह महीने या उससे कम का बेनिफिट है हां अच्छा सैलरी क्यों पे कर रहा है पीडब्ल्यू हमको सैलरी क्यों पे कर रहा है बेटा क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या मैं बोल सकता हूं हमको सैलरी पे करके पीडब्ल्यू रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सैलरी सैलरी टू फैकल्टी सैलरी टू टेक टीम जो पूरा टेक हैंडल करती है सैलरी टू स्टूडियो टीम सैलरी टू बैच मैनेजर्स ठीक है ये सबको सैलरी पे की जाती है और यह सबको सैलरी क्यों पे की जाती है बिकॉज ये सब हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में So, बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू जनरेट में हेल्प करता है बट ये लॉन्ग टर्म तक हेल्प करेगा सिर्फ एक साल नहीं बट जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट में हेल्प कर रहे हैं लेकिन एक साल है उससे ज्यादा नहीं क्लियर एक साल का कम दैट्स इट ओके लेट्स मूव फर्दर मैं आपको सीधा से बोलूं बिजनेस से लिंक खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है सारे के सारे एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए और सारे के सारे एक्सपेंस अभी तो आपको फाइनल अकाउंट्स आता है सारे के सारे एक्सपेंस जो ट्रेडिंग पब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वो क्या हो गया आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें इतना लोड लेने की नहीं है क्लियर लेट्स मूव फर्दर सर एक लाइन लिखा हुआ है बोथ कैपिटल ये ट्रू और फॉल्स की लाइन है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो हो ये क्या लिख दिया बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे सर अरे सुनो बेटा आपने मशीन खरीदा तो मशीन यूज होगी यूज होगी तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा अच्छा डेप्रिसिएशन हर साल आएगा तो एक टाइम के बाद मशीन डेप्रीशिएट होते 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 उड़ जाएंगी तो ये डेप्रिसिएशन कहां जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अल्टीमेटली हाँ उसने क्या कहा अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे आपने सैलरी पे किया वो तो करंट ईयर में चला जाएगा सो अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अच्छा एक्सेप्ट एक्सेप्ट लैंड, ठीक है बट लैंड किसके लिए मेरे पापा जिनका रियल एस्टेट का काम है कि आप लोगों के पापा जिनका रियल एस्टेट का काम नहीं है सर वो लोगों के लिए जिनका बिजनेस एक्टिविटी रियल एस्टेट नहीं है ओके उन लोगों के लिए पापा के लिए लैंड एक इन्वेस्टमेंट होता है और वैसे भी एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा इवन दो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ओके बट यस, आपको यह लाइन याद रखनी है क्योंकि आप सीए वाला के बच्चे और आपको यह लाइन पता होनी चाहिए ओके okay? उसके बाद सर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यह क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा ट्रू और फॉल्स आंसर करने में चार मार्क यह क्वेश्चन हेल्प करेगा आपको और उसके बाद वी आर डन द सेशन फॉर श्योर पक्का नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एडी कैपिटल और भाई साहब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पापा का फर्नीचर का काम है तो मेरे पापा फर्नीचर खरीदते हैं फर्नीचर बेचते हैं तो मेरे पापा के लिए वो गुड्स है ओके आपके पापा का फर्नीचर का काम नहीं है लेकिन स्टिल क्या आपके पापा के लिए भी वो फर्नीचर गुड्स है क्या ये बोल रहा है हां है बट इसको सच सच बताओ ऐसा नहीं है बिजनेस डिसाइड करता है क्या रेवेन्यू और क्या है कैपिटल ओके लाइक पहला नेचर ऑफ बिजनेस एक्चुअल में डिसाइड करता है अगर कोई ट्रेडर है जिसका फर्नीचर का काम है मतलब फर्नीचर खरीदता है फर्नीचर बेचता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गए गुड्स हो गए तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे अच्छा जो चीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है वो क्या हो जाती है रेवेन्यू तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट जिसका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है अगर वो फर्नीचर खरीदता है उसके लिए वो एसेट है क्योंकि वो कहां दिखता है बैलेंस शीट में तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर सो यस बिजनेस एक्टिविटी डिसाइड करता है सर सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी डिसाइड करता है क्या नहीं उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है क्या वो रिकरिंग है रिकरिंग मतलब अपन ने पढ़ा था कंसाइनमेंट क्या वो आपको बार बार पे करने पड़ते हैं क्या क्या वो बार बार आउटफ्लो होता है क्या उस नाम से लाइक like, सैलरी हर महीने पे करना है सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके बाद रेंट हर महीने पे करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओके अच्छा सर सिर्फ यही देखना है क्या हमको रिकरिंग नॉन रिकरिंग नहीं बेटा रिकरिंग नॉन रिकरिंग तो देखना है बट इसके साथ में आपको देखना है उसका बेनिफिट क्या एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा है क्या सर इसका एग्जाम्पल दीजिए आपने क्या बोला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं पहली बात एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश ओके okay. अब सैलरी हर महीने पे करनी पड़ती है और सैलरी का बेनिफिट देखो मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या वो रिकरिंग है रिकरिंग मतलब बार बार पे करना पड़ता है क्या रिकरिंग है या नहीं और दूसरा क्या उसका बेनिफिट वन अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा है क्या ठीक है बेटा सैलरी क्या है हां क्या उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है क्या नहीं तो वो क्या बन गई आपके लिए रेवेन्यू इन नेचर और दूसरा क्या है कैपिटल नेचर ठीक है तो वो कौन से टाइप का बन गई रेवेन्यू नेचर कैपिटल नहीं है सैलरी के बाद रेंट सर रेंट रिकरिंग है उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा रहता है नहीं तो वो रेवेन्यू बन गया कैपिटल नहीं है ओके इंश्योरेंस क्लेम सॉरी इंश्योरेंस का प्रीमियम सर इंश्योरेंस का प्रीमियम हम तो एक साल में एक ही बार भरते हैं तो क्या पूरे साल भर में ये रिकरिंग है क्या नहीं बेटा ये तो साल में एक ही बार भरा जाता है क्लियर बट क्या उस इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट एक साल से ज्यादा होता है क्या नहीं तो वो क्या है आपके लिए रेवेन्यू याद रखना टू बिकम कैपिटल एक तो वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए नॉन रिकरिंग होना चाहिए पहला क्या है नॉन रिकरिंग होना चाहिए और उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होना चाहिए वैसे बोला जाता है वन अकाउंटिंग ईयर टू मेक इट सिंपल मैं वन ईयर लिख रहा हूं ओके नेक्स्ट सर लैंड का परचेस अच्छा आपके पापा बार बार लैंड खरीदते क्या नहीं क्या लैंड का बेनिफिट एक साल से ज्यादा है क्या हाँ जी सर तो आपके लिए क्या बन गया कैपिटल सो so, ऐसे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं टू डिसाइड कैपिटल रेवेन्यू ब्लाबला तो हमने दो पकड़े अभी तक पहला नेचर ऑफ बिजनेस फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर रेवेन्यू है लेकिन जिसका काम फर्नीचर का नहीं है उसके लिए वो कैपिटल है दूसरा रिकरिंग बार 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 पे करना पड़ रहा है और अगर उसका बेनिफिट एक साल या उससे कम है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या बन जाएगा रेवेन्यू ओके okay? चलो इसका एग्जांपल वंस अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम आप साल में एक ही बार पे करते हो लेकिन उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है क्या नहीं तो वो क्या बन जाएगा ऑटोमैटिकली क्या रेवेन्यू इन नेचर ओके चलो तो कहना है से लैंड जब आपने परचेस किया था तो वो नॉन रिकरिंग था प्लस उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है टू तो डू तो बिकम कैपिटल ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब वो खर्चा कौन सा बनेगा कैपिटल नेचर का डन है सर पर्पस ऑफ एक्सपेंस पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है अब देखो मैं गाड़ी चला रहा था डन 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 पेट्रोल खत्म हो गया मैंने पेट्रोल डलवाया डन 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 हवा कम हो गई मैंने हवा डलवाया डन 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 ये सारे के सारे खर्चे आर नॉर्मल कॉस्ट ये सब चलते रहते हैं अच्छा सर्विसिंग कराया गाड़ी की ऑयल चेंज करवाया ये नॉर्मल मेंटेनेंस है नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो ये क्या हो जाते हैं रेवेन्यू इन नेचर बट तुमको पता है मेरे इंजन में ना एक पिस्टन था पिस्टन मतलब गन नहीं रे बाबा आ, तुमने वो एड देखी क्या ऑयल्स की एड होती है वो एक इंजन का एक पार्ट ऐसा घूमता रहता है क्लियर वो पिस्टन नहीं होता एग्जैक्टली बट एग्जाम्पल दे रहा हूं एक पिस्टन है ओके वो ना मैंने चेंज करवाया चेंज क्यों करवाया मेरे को इंजीनियर ने बोला था जहां पे वो बैठा था बोले आपके इसमें ना पुराने जमाने के पिस्टन डले हुए हैं अभी अगर आप ये नए जमाने का पिस्टन डलाओगे ना मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे को नहीं पता उससे रियली में होता क्या है ओके मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अगर आप अभी वो पिस्टन डलवाओगे ना तो पहले आपको एवरेज मिलता था फ्यूल एफिशिएंसी मिलती थी आपकी गाड़ी चलती थी 40 किलोमीटर एक लीटर में आप वो पिस्टन चेंज करवाओगे ना अब आपकी गाड़ी चलेगी 55 किलोमीटर एक लीटर में कहना मेरी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई तो फ्यूचर में मेरा पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा हा सर तो ये जो खर्चा है अभी मैंने पिस्टन चेंज करवाया ये एक तरह का मेजर रिपेयर है और इससे जो मेरी गाड़ी है वो ज्यादा एवरेज निकाल रही है तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल इन नेचर बिकॉज एवरेज सिर्फ एक साल के लिए ज्यादा निकालेंगी कि बहुत लंबे समय तक एवरेज ज्यादा निकालेगी सर लंबे समय तक एवरेज निकालेगी ओके लेट्स मूव फर्दर अब सर टायर 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 भी तो लगते ना बात बताओ टायर का घसना इज अ वेरी नॉर्मल रिपेयर टायर चालीस हजार किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है ये बहुत नॉर्मल है भाई ठीक है इससे तुम्हारी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी या इससे तुम्हारी गाड़ी हवा में नहीं चलने लगेगी क्लियर तुमको यह देखना है क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या का गाड़ी जो पहले कर रही थी उससे बेटर परफॉर्म कर रही है क्या आज पहले 40 का एवरेज था अब 55 का एवरेज है ओके सो so ये सब चीजें ध्यान रखो दीज आर कैपिटल इन नेचर ओके अब और चीज ध्यान दो ठीक है ये लाइन पढ़ो एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट इज डन वो अब देखो अगर आपने नॉर्मल रिपेयर करा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बट ऐसा कोई मेजर रिप है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई तो वो हो गया आपका कैपिटल इन नेचर ये सबसे इंपॉर्टेंट है मटीरियलिटी ऑफ अमाउंट मैं बात बताओ आपने कैलकुलेटर खरीदा है मैं आपको एक बात बताऊं मैंने कैलकुलेटर खरीदा था अपनी सीए की जर्नी की बात बता रहा हूं मैंने कैलकुलेटर खरीदा था केसीओ का ठीक है वो कैलकुलेटर मैंने फाउंडेशन में खरीदा था और वो मेरा फाइनल तक साथ दिया उसने मेरा साथ फाइनल तक दिया आई से कैलकुलेटर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है कैलकुलेटर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है तो जो और क्या आप कैलकुलेटर बार बार खरीदते हो क्या नहीं तो कैलकुलेटर नॉन रिकरिंग है बार बार तो नहीं खरीदते सर उसके बाद सर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है मतलब एक साल से ज्यादा तो देता ही है अब इसको पकड़ोगे तो ये क्या बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर बट अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है जो बोलता है यार कैलकुलेटर कितने का है दो सौ रुपए का कितने का है सौ रुपए का अब तुम ये समझो अंबानी जी ने 200 कैलकुलेटर खरीदे अंबानी जी ने 200 कैलकुलेटर खरीदे और हर कैलकुलेटर दो सौ का कितने का हो गया चालीस हज़ार अब मैं अंबानी जी को बोल रहा हूं अंबानी जी ये कैलकुलेटर का बेनिफिट बहुत लंबा है तीन साल का है कम से कम मैं सीए फाउंडेशन के हिसाब से बता रहा हूं तीन साल चला था मेरा इसको ना हम एसेड मानते हैं और हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे और डेप्रिशिएट करूंगा अंबानी जी बोले ऋषभ सुनो ना आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरा कोई एम्प्लॉय कैलकुलेटर गलती से अपने बैग में डाल के चला गया तो मैं क्या रिपोर्ट करूंगा एफ आई आर करूंगा मेरा एसेट चोरी हुआ बोले सुनो ऋषभ जी सुनो आप इसको खर्चा मान लो आप इसको क्या ट्रीट कर लो आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मत मानो ट्रीट इट एज रेवेन्यू और उसे कहां डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दो मैं मान लूंगा मैंने खरीदा ये मेरे खर्चे है बात खत्म मैं मान लूंगा कि ये मेरे खर्चे है मैं बोला अंबानी जी ऐसा नहीं चलेगा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की तोहिन कर रहे हो अंबानी जी ने मेरे को बुलाया बैठो बोले तुम्हारे इसमें प्रिंसिपल है ना मटेरियलिटी वो क्या बोलता है वो इंफॉर्मेशन जो यूजर का डिसीजन मेकिंग चेंज कर दे वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है उसे अच्छी तरह में दिखाना चाहिए हाओ बोले कैलकुलेटर जियो में गूगल फेसबुक और आराम को का डिसीजन मेकिंग चेंज करेगा क्या चालीस हजार रुपए हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखे तो गूगल फेसबुक और आराम को मेरे को बोलेगा मेरा इन्वेस्टमेंट वापस करो मेरा इन्वेस्टमेंट वापस करो ऐसा होता क्या नहीं बोले बिल्कुल मैं ठीक है मान लिया मैंने भी क्या मान लिया उसे रेवेन्यू नेचर तो देखो हर बार मटेरियलिटी मत लगाना क्लियर ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है ये रियल लाइफ में काम आता है तो कभी आपने मुझे आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि सर कैलकुलेटर हम खर्चा क्यों मानते हैं आज मैंने उसका आपको आंसर दे दिया है मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है ये चिल्लर चाल्लर चीजें जो होती है लाइक like, देखो अंबानी जी ने ऑफिस के लिए बॉटल खरीदे सौ बॉटल खरीदे अरे यार इनको एसिड मान के अंबानी जी अपनी नाक कटवाएंगे क्या नहीं ना ये चिल्लर चालर खर्चे अरे समझ में भी, भी नहीं आएगा कब गायब हो गया ये सब चीजें तो इन्हें क्या मान लो एज अ एक्सपेंस ओके वी आर डन ऑन दिस अब क्वेश्चंस करते हैं अब क्वेश्चंस करते हैं चलो पहला ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा रहता है बट सेकेंड हैंड मशीनरी पे आपने किया है, पता है आपको सेकेंड हैंड मशीन जब आप खरीदते हो ना जब आप एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो तब आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं और वो मेजर चेंजेस रहते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको पता है अगर आप सेकेंड हैंड कार लोगे तो आप उस कार में बहुत सारी चीजें चेंज करवाते हो लाइक like एग्जाम्पल के लिए आप स्पीकर चेंज करवा लेते हो आप इंजन का रिपेयर करवाते हो नॉर्मल कभी कभी मेजर रिपेयर भी रहता है अगर आपकी गाड़ी फ्लड में फंसी हुई थी आपको पता है बहुत सारी गाड़ियां फ्लड के वजह से खराब हो जाती है पानी में पड़ी रहती है इंजन खराब हो जाता है तो सेकेंड हैंड मशीन को जब आप ओवरहॉलिंग करवाते हो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड के लिए हाँ तो क्या ये रेवेन्यू है क्या फॉल्स ये क्या है कैपिटल क्योंकि वो वन टाइम खर्चा रहता है वन टाइम खर्चा रहता है और उससे कहीं ना कहीं एसेट का बेनिफिट इंक्रीज होता है ओके मनी स्पेंट टू रिड्यूस ये वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द आंसर इज फॉल्स सर इसका मतलब क्या है सुनो बेटा मेरा आपको पता है पिस्टन कहा था मैंने पिस्टन रिप्लेस करवाया तो उसका पैसा मैंने दिया तो आई मनी टू चेंज पिस्टन उस पिस्टन से क्या हुआ मेरा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का खर्चा कम हो गया बिल्कुल सर पेट्रोल का खर्चा कम हो गया तो मेरे को गाड़ी चलाने के लिए जो खर्चा लग रहा था वर्किंग एक्सपेंसेस गाड़ी चलाने का खर्चा क्या वो कम हो गया हां तो जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हो वो से आपके रोज मल्लार के खर्चे कम हो जाते हैं तो वो क्या है कैपिटल लीगल फीस टू एक्वायर दी प्रॉपर्टी लीगल फीस मतलब आपने स्टैंप ड्यूटी पे किया आपने लॉयर को पैसे दिए क्यों दिए उसने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया प्रॉपर्टी का ताकि बाद में कोई झगड़े वगड़े ना हो ओके तो ये सारे के सारे खर्चे क्लियर आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त दिया था अच्छा मैंने प्रॉपर्टी खरीदा तो उसकी स्टैंप ड्यूटी एसेट मेरे पास आने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा यस तो जो आप लीगल फीस पे कर सकते हो प्रॉपर्टी एक्वायर करते वक्त वो आपके लिए क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि स्टैंप आप वन टाइम पे करते हो मैंने प्रॉपर्टी खरीदा तो वन टाइम पे किया मैंने स्टैंप ड्यूटी यस जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं मैं एक ही बार पे करता हूं क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है बार बार थोड़ी हर साल पे करूंगा वो नॉन रिकरिंग खर्चा है और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी तो मुझे उस चीज का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट है फ्यूचर में क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है मैं उसको बिना स्ट्रेस के ज्यादा भाव पे बेच सकता हूं अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है ना उसका वैल्यू कम मिलता है लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है उसका वैल्यू ज्यादा मिलता है ठीक है सर हम किसी और के नाम की प्रॉपर्टी बेच सकते क्या अरे वो गुंडे लोग रहते ना पता है गुंडे लोग क्या करते किसी के प्रॉपर्टी में जाके कब्जा कर लेते कब्जा कर लेते मतलब हम ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे भाड़ में जा मारा पीटी करते हैं हैं अब वो गुंडे लोग जब प्रॉपर्टी बेचने जाते ना उनको मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है प्रॉपर्टी का उनको बहुत कम वैल्यू मिलता है क्योंकि गुंडे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी तो स्टैंप ड्यूटी पे करोगे तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी होंगी आपके नाम पे प्रॉपर्टी होंगी उसका बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा द आंसर इज टू अब इसके बाद देखो इस समय और इसमें फर्क क्या है अब क्या हुआ मेरी प्रॉपर्टी है उस पर किसी ने केस कर दिया क्लियर कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी या ये प्रॉपर्टी पे कुछ झगड़े अदरक लसन किसी ने मुझ पर केस कर दिया मैंने फिर लॉयर को हायर किया अब ये जो लॉयर को मैंने हायर किया ना ये नॉर्मल है प्रॉपर्टी में ऐसे करोड़ों केसेस पेंडिंग है लाखों केसेस पेंडिंग है ये प्रॉपर्टी मेरी है ये प्रॉपर्टी मेरी है लोग बोलते रहते क्लियर तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट है अगर आप लैंड खरीदोगे ना तो प्रिपेयर रहना कि कोई ना कोई आप पे कभी ना कभी केस करेगा और आपको केस लड़ते रहना है ये लैंड में बहुत आम बात है कि लोग आपके ऊपर केस करते रहते हैं क्लियर इट्स नॉर्मल मेंटेनेंस कास्ट ओके इट्स अ नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट तो ये कैपिटल नहीं है द आंसर इज फॉल्स ये है रेवेन्यू और ये आपका पीवाई क्यू भी है भाई ठीक है अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए लीगल फीस दिया है कैपिटल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया अब किसी ने आप पे केस किया है और आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए नॉर्मली आप झगड़ते रहते हो लोगों के साथ ये नॉर्मल है लोग आप पे केस करते रहते ये नॉर्मल है और ये एक्चुअल बता रहा हूं प्रॉपर्टी लाइन में बहुत नॉर्मल है ठीक है तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट है प्रॉपर्टी का तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है एक पार्ट है जो खराब हो गया वो मैंने रिप्लेस किया अब मेरे बात बताओ ये आपके लिए क्या हो गया सर ये आपके लिए हो गया नॉर्मल रिपेयर सर आप नॉर्मल रिपेयर क्यों बोल रहे हो इसको, बेटा देखो इससे ना एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही इससे एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही क्या नहीं टायर खराब हो गए तो आपने टायर चेंज कर दिया तो ये नॉर्मल रिपेयर का पार्ट है ठीक है अच्छा टायर चेंज करने के वजह से आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई क्या नहीं आपकी गाड़ी की पहले स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आर अभी 200 पहुंच गई क्या नहीं सो so, ये सब क्या है फॉल्स इट्स अ रेवेन्यू ये फॉल्स है ये फॉल्स है ठीक है द आंसर इज फॉल्स ये क्या है रेवेन्यू ओके okay. एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग मेरे को एक बात बताओ मैंने पुरानी कार खरीदा तो उसका रिपेयर का खर्चा मैंने एसेट में डाला था हाई ना मैंने उसको क्या माना था कैपिटल अब मैंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदा उसको मैंने पेंट वेंट करवाया क्यों पेंट करवाया भाई अब मेरी बिल्डिंग है वन टाइम खर्चा कर रहा हूं पेंट वेंट करवाने का पेंट करवाने से क्या होता है मैं आपको आज बता रहा हूं बेनिफिट जेन्यूल बता रहा हूं जब आप पेंट कराते हो ना आप दरारे फिल करते हो दरारे फिल करने से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती है प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बिल्डिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेंगी कभी नहीं उसकी लाइफ रहती तो उसकी लाइफ बढ़ती है अगर आप बिल्डिंग में पेंट करवाओ प्रॉपर क्लियर तो यस लेकिन फर्स्ट टाइम हा बार बार नहीं पहले बार करवाते हो इट्स अ नॉर्मल फर्स्ट टाइम एक्विजिशन का कॉस्ट है आप हर महीने पेंटिंग करा रहे हो अरे तुम पागल हो फिर क्लियर आपने वंस इन अ ब्लू मून करवाया वन स ब्लू मून करवाया या तो आप पहली बार खरीद रहे थे प्रॉपर्टी जब मैं सेकेंड हैंड कार पहली बार खरीद रहा था तो उसका रिपेयर मैंने कैपिटल माना था तो यहां पे ओल्ड बिल्डिंग मैंने पहली बार खरीदा है फर्स्ट टाइम वो बिल्डिंग मेरे अंडर आई है तो मैंने व्हाइट वॉशिंग और पेंटिंग करवाया ये भी आपके लिए क्या है कैपिटल उसके बाद एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑप्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा इस कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को एक बात बताओ लाइसेंस के बिना धंधा है क्या नहीं सर आपको याद है ने डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्वारी अकाउंट बनाया था क्या बनाया था क्वारी अकाउंट अच्छा क्वारी क्या है आपको माइनिंग करने के लिए राइट्स मिले हुए हैं तो माइनिंग राइट्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि माइनिंग राइट्स रहेंगे तो आप कोयला निकाल पाओगे कोयला निकालोगे तो कोयला बेचोगे कोयला बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा और माइनिंग राइट्स आपको वन टाइम दिए जाते हैं जिसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर द आंसर इज ट्रू अमाउंट स्पेंट ये तो पीवाई है भाई अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्प्री हट्स आपने कभी देखना जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना स्पेसिफिकली मुंबई वगैरह शहरों में जहां बहुत बड़े मुंबई नोएडा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है वहां पे ना आपको लेबर्स के लिए टेम्प्ररी हट्स बनाने पड़ते हैं सर आप लेबर्स के लिए टेम्प्रेरी झोपड़े बोल रहे हो क्या हां वो नीडेड क्यों है क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर नहीं रहेंगे तो लेबर रोज साइट से जाएंगे एक बार लेबर गया ना कभी कभी छुट्टी मार लेता वो तो आपका कंस्ट्रक्शन डीले होगा अगर लेबर छुट्टी पे है और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं हुआ तो हायर प्रोबेबिलिटी है आपका प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है ओके okay? तो टेम्प्ररी हट्स आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग या वो सिनेमा तो टेम्प्ररी हट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है द आंसर इज ट्रू बाद में तुम डिमोलिश कर दो चलेगा बट द आंसर इज ट्रू नेक्स्ट अब यहां से बहुत इजी इजी है एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑप्टेनिंग लाइसेंस फैक्ट्री के लिए सर ये कैपिटल है कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक सिनेमा चलाने के लिए लाइसेंस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है अच्छा सर अब आपका माल कोई और गोडाउन में पड़ा हुआ था वो गोडाउन से आपने इस गोडाउन में शिफ्ट करवाया है तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या नहीं सर ये तो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस है ये रेवेन्यू है उसके बाद रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज एट फाइव थाउजेंड टू गेट फ्यूल एफिशियंसी अरे फ्यूल एफिशियंसी बढ़ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर सीई मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एम टी एन एल पहले चलता था ये पहले टेलीफोन लाइन चलती थी तो एम टी एन एल टेलीफोन लाइन की सेवाएं देती थी तो आपको फ्री में टेलीफोन नहीं देती थी आपको एडवांस देना पड़ता था अच्छा मैं बात बताओ, ये जो मैंने एडवांस दिया है ये आपका फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस, या आपका एक तरह का एडवांस है? क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या नहीं सर ये एक तरह का आप बोल सकते हो बैलेंस शीट में एडवांस के तौर पे जाएगा तो आप इसे ट्रीट कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्निकली एडवांस है ये आपका और ये एडवांस देने के वजह से टेलीफोन लगा है टेलीफोन लगेगा तो आप लोगों से बात कर पाओगे और आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा ओके okay? अच्छा यहां पे टेम्प्ररी हटते यहां पे फैक्ट्री शेड है जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए नीडेड था असम उजेंड इनकट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंरी हट्स अरे भाई साहब सिनेमा बनाने के लिए टेम्प्री हट्स फैक्ट्री बनाने के लिए टेम्प्री हट्स कितने टेम्प्ररी हट्स टेम्प्ररी हट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो नीडेड है बस गाइस होने वाला है अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीट यह रेवेन्यू रिसीट है आपकी ये आपके लिए क्या है रेवेन्यू रिसीट अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई बैंक पैसा मिला है यहां पे हां आपको आईडीबीआई बैंक से लोन मिला है अरे बाप रे लोन है ये तो सर फॉर वर्किंग कैपिटल ये रेवेन्यू नेचर का है कि ये कैपिटल नेचर का है ये रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा ये एक तरह की आपकी कैपिटल रिसीट है ये क्या है आपकी कैपिटल रिसीट अरे भाई साहब कर्जा लिया है आपने कर्जा कैपिटल रिसीट है ओके उसके बाद आपको सब्सिडी मिली है फोर्टी थाउजेंड की गवर्नमेंट से वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ कैपिटल रिसीड मेरा क्वेश्चन है ट्रू की फॉल्स गाइज बी रिस्पॉन्सिव ऑन कमेंट तभी मजा आएगा पढ़ने में यहां पे आपका आंसर है कि ये रेवेन्यू है बेटा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है सुनो आपको लग रहा है कि वहां पे लोन है एवरीवन आपको लग रहा है कि वहां पे लोन है लोन वर्किंग कैपिटल के लिए दिया तो सर आपने तो उसे क्या बोला आपने उसे क्या बोला कैपिटल बट अगर 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 सब्सिडी मिली बेटा सब्सिडी एक तरह की इनकम होती है एनपीओ चैप्टर गवर्नमेंट ग्रांट अब सुनो इधर सुनो मैं आपके सामने सब्सिडी का डिस्कशन कर रहा हूं सब्सिडी अगर वर्किंग कैपिटल के लिए मिली तो वो क्या हो जाती है रेवेन्यू और अगर सब्सिडी कोई एसेट के लिए मिली और वो भी कौन सा एसेट फिक्स एसेट लाइक स्कूल बनाओ सौ करोड़ का तीस करोड़ गवर्नमेंट दे देगी एज अ सब्सिडी तो वो सब्सिडी कैपिटल नेचर की हो गई वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट एसेड माइनस करंट लाइबिलिटी तो भाई साहब बैंक लोन दे रही है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सुनो बैंक लोन देती है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाता है और बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर की चीजें जाती है बट अगर सब्सिडी वर्किंग कैपिटल के लिए मिल रही है वो रेवेन्यू नेचर की रहती है बिकॉज गवर्नमेंट आपको धंधा चलाने के लिए कुछ पैसा दे रही है फ्री फंड में रेवेन्यू बट अगर कोई एसेट के लिए वो कैपिटल नेचर की हो जाएगी बिकॉज जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एसेट के लिए तो वो क्या होता है एसेट में से जाके माइनस होता है और एसेट है बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट एसेट में से माइनस आप सी इंटर में पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स तब आपको मेरी याद आ जाएगी बट हाल फिलहाल आप समझ के चलो यही चीज है मनी स्पेंट टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड क्यों स्पेंड किया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर ऑन अ ट्रिप अप्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट अरे डायरेक्टर एसेट खरीदने गया था तो डायरेक्टर का ट्रैवलिंग का खर्चा वाज नीडेड तभी तो डायरेक्टर गया था एसेट खरीदने के लिए बिकॉज डायरेक्टर जाके खुद देखेगा हाँ एसेट अच्छा है ना हाँ भाई ठीक है चोखा क्या ये बिजनेस को बेनिफिट देगा हाँ तो ये कौन से टाइप का हो गया क्योंकि ये वन टाइम है और वन टाइम है और ये फॉर द पर्पस ऑफ अगर एसेट आपका सही आ गया तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगा तो ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट है क्या हां सर एनपीओ हमने पढ़ा हुआ ये revenue receipt है ये रेवेन्यू रिसीट है एक्सपेंडिचर इनकट फॉर मेजर रिपेयर टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी आर रेवेन्यू इन नेचर नो कैपिटल इन नेचर चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड हैंड फर्नीचर आपने 9000 का खरीदा आपने उसको रिपेन्ट करवाया देखो बेटा मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा था मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा था तो ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस कैपिटल थे फिर मैंने बिल्डिंग खरीदा था पहली बार पेंटिंग वेंटिंग करवाया था बिल्डिंग में एड आपने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा आपने उसको पेंट वगैरह करवाया तो वो क्या हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये एक हजार रुपए फर्नीचर में डाल देना तो फर्नीचर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया नौ हजार का फर्नीचर एक हजार रुपए का पेंट और पेंट करने के लिए दो सौ रुपए आपने वेजेस दिया तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया दस हजार दो सौ रुपए ओके okay? तो ये दोनों क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑप्टेनिंग लाइसेंस अब सुनो आपने लाइसेंस ऑप्टेन किया तो जब आपने लाइसेंस ऑप्टेन किया तो वो वन टाइम खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अब आपको लाइसेंस मिल गया है उसका एवरी ईयर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है देखो बेटा लाइसेंस मिलना अपने आप में बड़ी बात रहती है एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस मिलने के लिए जो आपने पेमेंट किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार लाइसेंस मिल गया उसके बाद जब आप रिन्यूअल करवाओगे क्या वो रिकरिंग है हाँ सर हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और रिकरिंग के अलावा वो लाइसेंस का बेनिफिट वन अकाउंटिंग ईयर या उससे कम ही रहेगा हां जी सर जो हमने रिन्यू करवाया तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हा ओके okay, ये बेटा ध्यान रखना लाइसेंस वाला मैंने आपको पूरा समझाया भी है चलो आगे बढ़ते हैं दिस इज डन फायर इंश्योरेंस आपने अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक थाउजेंड फॉर ऑप्टेनिंग लाइसेंस अच्छा बीस हजार रुपए आपने लाइसेंस ऑप्टेन करने के लिए दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर कंपनी को फाइन लगा एक हजार रुपए का ये जो फाइन है एक हजार का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कंपनी ने रिन्यूअल फी पे किया है दो हजार रुपए की लेकिन अगले साल के लिए सर जो रिन्यूअल फी थी वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन वो क्योंकि अगले साल के लिए है तो मैं उसे मान लूंगा प्रीपेड एक्सपेंस मुझे मजबूरन है तो वो रेवेन्यू लेकिन नेक्स्ट ईयर का है इसलिए प्रीपेड मानते हुए बैलेंस शीट में सिर्फ लिखना पड़ेगा होपो सबको क्लियर है मैंने क्या कहा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करंट ईयर में किया है प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो मेरे को इस साल से हटाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में लेके जाना पड़ेगा तो लेके कैसे जाऊंगा बैलेंस शीट के थ्रू ओके तो है तो वो रेवेन्यू लेकिन प्रीपेड फॉर्म में है श्योरेंस वन थाउजेंड पेड ऑन फर्स्ट अक्टूबर फॉर वन ईयर मेरा ईयर एंड कब होता है इकतीस मार्च आपने एक अक्टूबर को पे किया है इंश्योरेंस का प्रीमियम यह इंश्योरेंस का प्रीमियम का वैलिडिटी है अगले साल थर्टी फर्स्ट के पहले क्या आता है फर्स्ट अक्टूबर से इसका वैलिडिटी कब का है फर्स्ट अक्टूबर से तीस सेप्टेंबर फर्स्ट अक्टूबर उन्नीस से तीस सेप्टेंबर बीस मेरा ईयर एंड आ जा रहा है बीच में तो सर छह महीना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और बाकी का छ महीना भले ही रेवेन्यू है बट हमें प्रीपेड मानना पड़ेगा ये आपको ऐसा लिख के आना है अच्छा इनोग्रेशन क्यों किया जाता है सर इनग्रेशन एक तरह का सेल्स प्रमोट करने के लिए खर्चा रहता है एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ओके okay, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपनसेशन वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है बट बट क्योंकि ये दस साल का एक साथ पे किया जाता है तो ये आपका हो गया एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा देखो ये लाइन के लिए ना मेरे को आधा घंटा पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आप सिर्फ पहली चीज बोल रहा हूं मैं आपको ये मान लो रेवेन्यू है बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज होगा ठीक है सिर्फ ये वाली लाइन में आपको मानने को बोल रहा हूं ठीक है नेक्स्ट अब सुनो मेरा एक फिक्स एसेट है उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया और मेरा स्टॉक है मैंने मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया अब दोनों को आग लग गई ठीक है फिक्स एसेट इज नाउ वैल्यूलेस फिक्स एसेट का कुछ वैल्यू नहीं मिला है तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा भर के दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा भर के दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट क्योंकि फिक्स एसेट इज नाउ वैल्यूलेस सर इसकी ये एंट्री तो नहीं होगी मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री देता हूं दो मिनट बेटा लास्ट टॉपिक फॉर द डे पक्के से इसके बाद के टॉपिक बहुत इजी है आपको आ जाएंगे आर डन बस ये लास्ट है फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस पे किया आपने अच्छा इंश्योरेंस आपने पे किया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने कहां पे डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट किया यस फिर उसके बाद आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया था तो स्टॉक का जब इंश्योरेंस करवाया था तो हमने इसका प्रीमियम भी कहां पे किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे करके डेबिट किया था अब अपन ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पड़ा हुआ है जब आप प्रीमियम को एक्सपेंस मानते हो तो अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है तो जब आपने प्रीमियम पे किया था तब खर्चा माना था तो जो आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वह आपके लिए एक तरह की क्या हो जाएगी कमाई ठीक है तो यह आपके लिए है रेवेन्यू रिसीट डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रीटमेंट क्योंकि जब आपने प्रीमियम पे किया था तब आपने खर्चा माना था तो जब प्रीमियम के बदले आपको पैसा मिलेगा ऑन हैपनिंग और मिस हैपनिंग ऑफ एनीथिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी का से जो पैसा मिला उसे क्या मानना पड़ेगा कमाई दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट टू थिंग्स बाकी मॉड्यूल में से है आप जाके आंसर देख सकते हो क्लियर ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा ओके लास्ट इफ रिपेयर कॉस्ट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वाइट वॉश एक्सपेंसिस फाइव थाउजेंड बोथ दिस एक्सपेंस रिलेड टू प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ढाई लाख एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम उन्नीस हजार तो अमाउंट ऑफ एक्सपे कितना है सर देखिए पच्चीस हजार प्लस पांच हजार प्लस ढाई लाख क्योंकि आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया है तो आपने बिल्डिंग को बढ़ाया है मतलब पहले एक बिल्डिंग थी बाजू में एक और बिल्डिंग अटैच कर दी और आपने वायरिंग सिस्टम अपग्रेड किया है अच्छा वायरिंग सिस्टम अपग्रेड करने से क्या होता है फ्यूचर में आग लगने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उन्नीस हजार का तो मेरे को वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कितना करना है मींस इसमें से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है और बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करना है इसका आंसर क्या है देखो बेटा आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो उसने क्या बोला पच्चीस हजार और पांच हजार मैंने जो बिल्डिंग हमारे पास ऑलरेडी है बिल्डिंग प्रेजेंटली इन यूज नई बिल्डिंग नहीं खरीदा बिल्डिंग ऑलरेडी है मेरे पास और मैंने उस पर पे यह पेंटिंग पुंटिंग के खर्चे करवाया फर्स्ट टाइम खरीदता था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी इन यूज है नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है तो ये कितना हो गया सर तीस हजार आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है मतलब ये कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बाकी का ढाई लाख प्लस उन्नीस हजार टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड आपके लिए क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज ढाई लाख और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वायरिंग सिस्टम इज उन्नीस हजार टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिल्डिंग में जाके प्लस कर देना अगर आप बिल्डिंग पहली बार खरीदते थे तो व्हाइट वॉश का खर्चा आप बिल्डिंग में लिखते थे एक बार आपने बिल्डिंग खरीद ली तो वो अब नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट हो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट आपने माल बेचा उसको आप अपनी कमाई कब मानते हो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से सर जब आप माल बेच देते हो आप उसे सेल मान लेते हो पैसा रिसीव्ड हुआ या होगा वो सब बात की बात है माल बेचा मैं सेल मान लेता था ठीक है बेटा यस yes. अब एक डाउट इंश्योरेंस क्लेम सुनो बेटा एंट्री क्या होती है इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवे इंश्योरेंस क्लेम डेबिट हो जाता है इंश्योरेंस क्लेम डेबिट हो जाता है क्योंकि वो रिसीवेबल है इंश्योरेंस क्लेम डेबिट और आपका बिल्डिंग क्या हो जाता है क्रेडिट आपका बिल्डिंग क्या हो जाता है क्रेडिट ओके okay? अब आप ये समझो ये क्लेम आपको रिसीवेबल है क्लियर तो पहली बात सौ बात की एक बात आप बोल रहे हो मैं मान रहा हूं बट प्रीमियम आपने पे किया था तो जब आपने प्रीमियम पे किया तो आपने उसे कहां डाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो मैचिंग के हिसाब से अगर आपने प्रीमियम डेबिट किया है तो आपको उस प्रीमियम के बदले कभी फ्यूचर में क्लेम मिला तो वो आपके लिए एक तरह की कमाई मानी जाती है क्या माना जाता है सुनो अब कमाई पूरी नहीं मानी जाती है सुनो पूरी कमाई नहीं मानी जाती है सपोज बिल्डिंग का वैल्यू था एक लाख बिल्डिंग का वैल्यू था एक लाख आपको क्लेम मिल रहा है डेढ़ लाख ठीक है तो बाकी का क्या है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है बेटा फिर एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम डेढ़ लाख डेढ़ लाख अगर ज्यादा मिला तो आपके लिए क्या बन जाती है कमाई बट अगर मैं स्टॉक की बात करूं स्टॉक में तो बेटा वापस से इंश्योरेंस क्लेम आपका डेबिट है क्लियर टू स्टॉक अच्छा आग लगी तो एंट्री क्या होती है सर आग लगने पे एंट्री होती है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से हम स्टॉक को हटा स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिख देते थे हम लॉस बाय फायर और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम लिख देते लॉस बाय फायर तो आप स्टॉक के केस में पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके पड़ जाता है बट बिल्डिंग के केस में जितना ऊपर का क्लेम है वही आपके लिए रेवेन्यू बनता है और बाकी का डेढ़ लाख में से एक लाख और पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव आपका रेवेन्यू है और बाकी का एक लाख आपका कैपिटल रिसीट है बट कॉम्प्लिकेट ना करते हुए ने आपको बोल दिया कि मान लो उसे रेवेन्यू है ठीक है बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ओके राजा इज एवरी वन क्लियर तो सर वापस से अगर आपको इंश्योरेंस को समअप करना है अब आपने समझाई दिया है तो समअप कर ही दो चलो अब आपने पूछा ही है कहीं ना कहीं तो मैं समअप कर देता हूं सर जो क्लेम अगर बिल्डिंग के लिए मिला इफ क्लेम इज लेस देन इक्वल टू अगर क्लेम का अमाउंट लेस देन इक्वल टू बिल्डिंग की बुक वैल्यू से है तो वो आपके लिए हो जाएगा कैपिटल रिसीट और क्लेम अमाउंट जो एक्सीड कर रहा है बिल्डिंग की वैल्यू से वो आपके लिए हो गई रेवेन्यू रिसीट और अगर स्टॉक का क्लेम है एग्जाम्पल के लिए हा एग्जाम्पल के लिए स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम है तो वो आपके लिए क्या है रेवेन्यू रिसीट ठीक है ये आपका डन होता है यहां पे, एंड आई ऑलवेज से एक बार जरूर आपने इसको देखना चाहिए ठीक है राजा एक बार जरूर आपने देखना चाहिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज सिया बाय टेक केयर दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ